हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बलराज ट्रेडिंग टेक। सो गाइस, बैंक निफ्टी का फाइनल क्लोजिंग मिला है आज का 47,445 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग किया हुआ है। सो काफी अच्छा मूवमेंट आज डाउन साइड में हमें देखने को मिला। निफ्टी का भी देखेंगे कल के लिए एनालिसिस एंड बैंक निफ्टी का भी, दोनों का इसी वीडियो में मैं कवर करूंगी। ओके, सो आज का कैंडल अगर देखते तो काफी स्ट्रांग कैंडल है। हैंगिंग मैन कैंडल कल का था, उसके ऊपर ओपन हुए लेकिन हम अपसाइड में सस्टेन ही नहीं कर पाए एंड काफी अच्छा यहाँ पे 48,200 का कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस बन रहा था। आज भी 48,155 का मैंने एक लेवल ड्रॉ किया था जो कि रेजिस्टेंस था एंड एग्जैक्ट वही से हाई अगर देखते हैं तो 48,166 का हाई लगाया हुआ है एंड मेरा रेजिस्टेंस लेवल था 48,155 का। सो वहां से अगर सेलिंग देखे तो काफी स्ट्रांग सेलिंग हुआ है, मतलब हाई अगर देखते हैं तो 48,166 एंड लो अगर देखते हैं तो 47,202, लगभग 900 पॉइंट का मोमेंटम इंट्राडे में हो गया है जो कि काफी बड़ा मोमेंटम इसने किया हुआ है। सो मार्केट जब भी अपसाइड में जाता है तो उसको चाहिए एक अच्छा सा करेक्शन वो कर दे। इस तरह का मूवमेंट जब भी मार्केट अपसाइड में जाता है कंटिन्यूस तो वहां पे हम बिलीव नहीं कर पाते क्योंकि प्राइस एक्शन बिना बनाए हुए वो अपसाइड में जब तक सीधा चलता रहेगा ना वहां पे बिलीव नहीं आएगा। उस पर बिलीव तभी आता है जब जब ये सब चलता है ना मार्केट रेंज बना के यहाँ से निकला, तो उससे बेटर रहता है कि मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए चले। जब कंटिन्यूअस बुलिश प्राइस एक्शन बनते हुए चलता है ना तो वहां पे बिलीव हमें काफी ज्यादा आता है, लेकिन ये जो चल रहा था ये कंटिन्यूअस सीधा चल रहा था एंड थोड़ा सा कोविड का भी लोगों के अंदर एक थोड़ा सा पैनिक हो गए है कि कोविड के केसेस अगर बढ़ते तो फिर से प्रॉब्लम हो सकता है। फिर मार्केट में लोग सारे लोग ना पैनिक होकर फिर सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो ये चीज होता है, इसलिए ये लोग ये पैनिक वाला मोमेंट है, दैट्स वाई इतना सेलिंग आया दोनों में, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। सो इम्पोर्टेंट है, न्यूज बेस अपसाइड गया है ना तो न्यूज बेस ही उसको वैसे ही लेके आएगा नीचे। जैसे कि हजार हजार पॉइंट सीधा अपसाइड में जा रहा था कुछ विदाउट प्राइस एक्शन, वैसा वो नीचे भी आ सकता है सेम, क्योंकि ये प्राइस एक्शन नहीं है, ये प्राइस एक्शन तो है ही नीचे से, लेकिन प्राइस एक्शन इतना ऐसा मूवमेंट नहीं करता है, स्लो एंड स्टडी चलता है लेकिन लंबे टाइम तक चलता है। लेकिन ये न्यूज बेस्ड मूवमेंट है तो हो सकता है कि न्यूज बेस्ड मूवमेंट ही उसको नीचे भी लेकर आए। ओके, सो चलते हैं 5 मिनट एंड 15 मिनट को देखते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करके बताती हूँ मैं आपको कि क्या हो सकता है। अभी तो काफी अच्छा एक सपोर्ट लेवल था 47,600, उसको भी ब्रेक कर दिया एंड काफी डाउन साइड में इसने क्लोजिंग दिवाई, क्लोजिंग देखते तो काफी स्ट्रांग है। सो हमें चाहिए प्राइस एक्शन का सेटअप, बुलिश प्राइस एक्शन, बुलिश प्राइस एक्शन काफी अच्छा काम कर रहा था, वैसे ही बियरिश प्राइस एक्शन भी काफी अच्छा काम करता है। इसके पास अगर सपोर्ट हम देखते हैं ना तो सपोर्ट सीधा जो बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है ना 46,900 के पास, 46,900 का जो लेवल है वहां पे सपोर्ट है। लगभग यहां से अब कितना पॉइंट 4x बॉन्ड आप मान सकते हो कि इतना दूर अभी भी है, एकदम बड़े टारगेट हमारे पास स्टिल है। क्लोजिंग ही इतना डेंजरस क्लोजिंग किया हुआ है कि हो सकता है कल गैप डाउन ही ओपन हो जाए, थोड़ा बहुत गैप डाउन ही ओपन हो जाए एंड नहीं गैप डाउन ओपन हुआ तो हमारे लिए तो फिर अपॉर्चुनिटी ही रह जाएगा। 47,200 के नीचे जैसे ही निकलेगा ना 47,000 आने में टाइम नहीं लगाएगा एंड उसके बाद 46,888 का टारगेट हमारे लिए बैंक निफ्टी में ओपन रह सकता है। कई जो सारा न्यूज बेस्ड मूवमेंट रहता है एंड मार्केट में चार्ट जो बनता है ना जनरली उसको फॉलो करना होता है, जो हमें चार्ट पैटर्न दिख रहा है सिंपल उसको फॉलो करना होता है, नहीं तो आप लोगों के माइंड में अननेसेसरी बाइंग का मूवमेंट खत्म हो जाता है, तब आप लोगों के माइंड में बुल आ जाते हैं, जब बियर चलता है तब आप लोगों के माइंड में बुल चलता है, जब बुलिश ट्रेंड चलता है तब आप लोग बियरिश फाइंड आउट करते हो। तो ट्रेंड अगर चेंज होता है तो हमें भी ट्रेंड के साथ चेंज होना है, ये चीज सिंपल है। अब यहाँ पे देखते हैं आज तो क्लियर बियरिश प्राइस एक्शन 15 मिनट में बना, उसके बाद फिर से गया क्लियर 15 मिनट में, काफी अच्छा बियरिश प्राइस एक्शन आज बनाया है बैंक निफ्टी ने भी। हाँ 5 मिनट का चार्ट क्लियर नहीं था लेकिन 15 मिनट को देखते तो काफी स्ट्रांग यहाँ पे मोमेंटम किया हुआ है एंड ये सारा न्यूज बेस्ड मोमेंटम है। सो हो सकता है कि कल भी बहुत अच्छा मार्केट हमें मिल जाए, पैनिक वाला मार्केट मिल जाए एंड मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक आप लोगों को चार्ट पे कुछ प्राइस नहीं दिख रहा होगा, प्राइस का एक्शन नहीं दिख रहा होगा कि प्राइस किस साइड में एक्शन कर रहा है, क्या बियरिश साइड में क्या बुलिश साइड में। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको प्राइस को रीड करना सीखना है ना कि यहाँ कैसे पता चला कि ये बियरिश प्राइस एक्शन है, ये रीड करना सीखना है ना, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है अननेसेसरी मार्केट में 10-10 हजार 20-20 हजार 50 हजार का लॉस करने से बेटर है एक बार प्राइस एक्शन का बस
हमने कोर्स किया हुआ है, एक ही कोर्स है हमारा, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे इतना मनी लूज करने से पहले आप लोग वो चीज सीख लो, आपको समझ में आएगा। डेली तो आप लाइव में देखते हैं कि चार्ट मेरिट करती हूँ एंड वो वर्क कैसे करता है। सो बस सिंपल सी चीजें मैंने सिखा के रखी है, बाकी जिनको करना है वो करे, जिनको नहीं करना है उनको कोई जबरदस्ती नहीं है मेरी, आप लाइव में भी सीख सकते हैं, मैं लाइव में भी बहुत सारी चीजें सिखाती हूँ। ओके, सो ये हो गया। बैंक निफ्टी का काफी स्ट्रांग मोमेंटम है, इसके पास सीधा सपोर्ट निकल के आ रहा है 46,888 के पास, मतलब कल पॉसिबल हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस लेवल तक भी आए। थोड़ा पार पहले नीचे आएगा देन अपसेट में जाएगा, तो एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। हो सकता है कि थोड़ा फ्लैट ओपन हो जाए तो हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा फ्लैट ओपनिंग के बाद, लेकिन बड़ा गैप डाउन हो गया तो सिंपल हमें वहां पे वेट करना पड़ेगा। सिंपल फिर हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया है। निफ्टी का भी अगर देखते तो काफी बड़ा कैंडल बना है। निफ्टी जनरली इतना मूवमेंट वन डे में नहीं करता है, क्योंकि अगर निफ्टी का हाई अगर हम देखें, हाई क्या लगाया है 593 का, 21,593 का एंड 21,087 का, लगभग 400 पॉइंट का इंट्राडे में निफ्टी ने मूवमेंट किया हुआ है। निफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात है ये, एंड हमने निफ्टी को टॉप से पकड़ा है। टॉप से कहाँ से पता है आपको, 21,500 के लेवल से पकड़ा है निफ्टी को। दिखाती हूँ मैं आपको ये वाला जो 5 मिनट का जो चार्ट है उस पर दिखाऊंगी। लाइव में मैंने 21,500 का लेवल जैसे ही ब्रेक किया तब बोल दिया था कि निफ्टी के नीचे के साइड में टारगेट रह सकते हैं। हाँ, एक बात है मैं क्लियर कहना चाहती हूँ, इतना मूवमेंट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि डायरेक्टली इतना नीचे आ जाएगा, 21,087 तक आ जाएगा, इतना मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन 21,500 को जैसे ही ब्रेक किया ना, तो एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा बहुत मोमेंटम या डाउन साइड में अच्छा दिखा सकता है, लेकिन इसने बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दे दिया। सो कैंडल का क्लोजिंग अगर देखते ये गैप तो फिल हो गया, इसके पास ये वाला गैप है, अभी बड़ा गैप अगर देखते हैं तो ये वाला गैप है। सो कल अगर इसका लो क्या है 21,022 के नीचे अगर कल निफ्टी निकलता है तो फिर से सेलिंग का प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, एंड ये जो गैप पेंडिंग है ना, ये गैप भी फिलअप होगा फिर उसका। आज तो ये गैप का काम उसने कर दिया, ये गैप पेंडिंग है, एंड वैसे देखा जाए तो ये भी गैप पेंडिंग है, ये गैप भी बहुत बड़ा है। मैंने कहा है ना, हिस्ट्री में मार्केट ने अभी तक ऐसा किया ही नहीं है कि वो अपना पिछला गैप छोड़ दे, उसको गैप को फिलअप करना ही पड़ता है, एंड तब उसके लिए मार्केट नीचे आता ही है। ये न्यूज बेस गया है तो फिर न्यूज ही उसको लेके आएगा नीचे, लेकिन उसको नीचे आना होगा, गैप उसको फिल करना होगा। एंड मेरा यार लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आप लोगों का गलती यही रहता है इन्वेस्टर का कि आप टॉप पे बाय करते हो एंड जब मार्केट नीचे आता है तो वहां पे आप लोग निकल जाते हो, फिर आपको कभी प्रॉफिट नहीं होता है। सो ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना है। एंड जो स्मार्ट इन्वेस्टर रहते हैं वो हमेशा टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, नहीं तो फिर वो होल्ड करके चलते, थोड़ा बहुत उनको 50% भी उनका पोर्टफोलियो डाउन हो गया ना, कोरोना में हुआ था, स्टिल लोगों ने, उन्होंने बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर ने वहां पे फिर से इन्वेस्टमेंट किया था, एंड आज वो इतना टॉप पे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन आप लोगों के साथ उल्टा होता है, आप हमेशा टॉप पे फंसते हो एंड बेचारे रिटेलर के साथ यही होता है। एंड जब डाउन यहाँ पे भी नहीं निकलोगे, थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो अपसाइड में दिख रहा होगा ना, वहां पे बुकिंग नहीं करोगे आप, वो माइनस में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो वहां पे आप बुक करते। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। अभी इस वीडियो में कहने का वो काम नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को बता दूं, काफी जरूरी है, नेसेसरी है, दैट्स व्हाई मैंने बता दिया। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक रेंज बनाया निफ्टी ने, यहाँ पे आज एक रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकडाउन किया, मुझे एक्सपेक्टेड यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया फिर रिटेस्ट किया, तो उसके बाद नहीं आया, सेकंड टाइम फिर से रिटेस्ट किया, तो मैंने यहाँ पे बिलीव नहीं किया। मुझे चाहिए था कि इस लेवल का ब्रेकडाउन करे। सो 21,500 का जैसे ही ब्रेकडाउन किया, मैंने यही से कह दिया कि नीचे की साइड में अब टारगेट ओपन है यहां तक, तो यहां तक ये सीधा वन वे आया। उसके बाद भी इसने काफी स्ट्रांग मोमेंटम किया। ये जस्ट सब ये न्यूज बेस है, तो मार्केट कितना भी नीचे आ सकता है। 21,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके ऊपर तो वैसे भी हम जा नहीं पा रहे थे, आज जस्ट उसके ऊपर ओपन हुए थे, उसके ऊपर गए थे, लेकिन मार्केट नीचे ही आया। ये सारा चीजें न्यूज बेस ही सही, लेकिन मोमेंटम तो हमें मिल गया ना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी इसके पास अगर सपोर्ट देखते तो 21,022 के लेवल के पास है यहाँ पे। इसका जब ब्रेकडाउन होगा ना, यहाँ आ जाए निफ्टी पहले, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करे, प्राइस एक्शन बनाए डाउन साइड का इस वाले लेवल के पास, एंड जब इसको ब्रेकडाउन करेगा ना, तो देखना गाइस फिर से ट्रेंडिंग मूव हमारे लिए रहेगा डाउन साइड में। कहां तक रह सकता है वो थोड़ा सा चार्ट को पीछे करके मैं टारगेट बताती हूँ आप लोगों को, थोड़ा बड़ा टारगेट, फिर उसका जो गैप फिलिंग का काम बाकी है ना, फिर वो गैप फिलिंग का काम कंप्लीट कर देगा। 20,000
9:55 तक उसको आना चाहिए, एंड उसके बाद अगर और पैनिक रहा तो वो आ सकता है 20,855, लगभग 100 पॉइंट का टारगेट फिर उसका नीचे की साइड में रह सकता है। क्योंकि जब भी मार्केट आता है तो सेलिंग, जब भी प्रेशर क्रिएट होता है तो काफी तेजी से होता है, बाइंग तो स्लो चलता है लेकिन सेलिंग हमेशा तेजी से चलता है। गैप अप ओपन होने के तो चांसेस बिल्कुल नहीं है, चांसेस तो गैप डाउन के ही है। एंड गाइस गैप डाउन भी ओपन हो गया ना तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। यहाँ पे देखिए रेंज में टाइम स्पेंड किया है ना एंड देन अपसाइड में गया ना, तो इस रेंज में भी आ गया ना, तो यहाँ पे 20,855 से लेकर के 21,025 इस एरिया में फिर वो टाइम स्पेंड करेगा। एंड टाइम स्पेंड करने के बाद जब इसका ब्रेकडाउन होगा ना तो 20,500 का हमारे पास टारगेट निकल के आएगा। जो भी कुछ रहेगा बाकी मैं लाइव में आपके साथ तो हुई, बस जो बताती हूँ उसको फॉलो करना है। मेरा एनालिसिस, मेरा एक्सपीरियंस ओनली फॉर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ना ही मैं कभी आपको बताऊंगी कहाँ पे आपको कॉल लेना है, कहाँ पे आपको पुट लेना है। ये चीजें मुझे करनी नहीं है, ये चीजें करनी होती तो मैं प्रीमियम ग्रुप स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन मुझे, मेरा इंटेंशन वो नहीं है। मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ लर्निंग का है, सिखाने का है, तो मैं भी वो काम करती हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट करें। ओके, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस, जय हिंद।